लोकसभा चुनाव के, आम चुनाव के रुझान आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त हमारे पास कुल 320 सीटों के रुझान हैं। 320 में 196 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए आगे है, 60 और 61 इसके बीच फ्लक्चुएट हो रहा है सीटों पर यूपी आगे है और अन्य के खाते में 64 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेठी में मतगणना अगले राउंड में पहुंच चुकी है और अभी भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी से लगभग 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हम लोग ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर राहुल गांधी अमेठी हारते हैं तो क्या होगा। यूपीए पिछली बार के मुकाबले गेन करती नजर आ रही है, एनडीए पिछली बार के मुकाबले कुछ नुकसान में नजर आ रही है, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है फिलहाल शुरुआती रुझानों में एनडीए उससे आगे दिख रही है, अन्य भी थोड़ा सा नुकसान कर रही है। लेकिन जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं जिसमें राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं, यूपी की बात करें तो 37 सीटों के रुझान, 24 पर एनडीए आगे है, 9 पे महागठबंधन और 4 पे कांग्रेस, इन सब का कुल जमा क्या लग रहा है आपको? सौरभ, अविनाश और विनय, आप तीनों की राय चाहूंगा बारी बारी से। जी, वैसे उत्तर प्रदेश में ही देखा हमने जहां हम लोग गए तो 24 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो जो हम लोग को नजर आया लगभग वही सीन यहां भी नजर आ रहा है कि 24 में बीजेपी आगे। उसका फैक्टर वही है कि जो ग्राउंड में चीजें मिली हमें, गाँव गाँव गए, वहां पे योजनाएं मोदी की पहुंची, उनपे तो बात हो चुकी है। अभी तो आप बहुत ही कट टू कट बताइए, अमेठी में राहुल गांधी हारते हैं तो कांग्रेस का क्या होगा? क्योंकि हम तो जहां राहुल गांधी का जिक्र करते थे लोग हंस देते थे। बिल्कुल, राहुल गांधी की जहां जहां भी बात की, राहुल गांधी का नाम लिया तो मैक्सिमम लोग हंसते थे। उसके बाद स्मृति ईरानी को देखें तो लगातार 5 साल एक्टिव रही हैं, फील्ड पर गई हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम भी इसे बताया कि वो तो अभी बता के गए सिद्धांत। कांग्रेस की पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा? कांग्रेस की पॉलिटिक्स, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, अगर वो स्वयं हारते हैं तो पहले से जो कयास लगाए जा रहे थे जिसको कांग्रेस हमेशा नकारती आती थी कि ऐसा वायनाड क्यों गए, एक बड़ा सवाल था। तो ये वायनाड क्यों गए उसका एक बड़ा जवाब यहाँ से आ रहा है इस वक्त। और योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैलियों में इस चीज का बार बार जिक्र भी किया कि धन विशेष के लोग वहां पर ज्यादा हैं, क्या इसलिए गए, तुष्टिकरण की नीति, इनका लक्ष्य क्या है वगैरह वगैरह को लेकर खूब फोकस किया था वहां पे, वायनाड में लेकर। ये है कि राहुल गांधी अगर परंपरागत सीट अपनी जो रही है, उनकी फैमिली की सीट रही है, वो हारते हैं तो जो लंबे समय से चला आ रहा है कि राहुल गांधी नहीं संभाल सकते कांग्रेस को, ये लंबे समय से चर्चा चली आ रही है कि सिर्फ राहुल गांधी क्यों, हो सकता है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस फैमिली हट जाए तो शायद चीजें बेहतर हो सके। कांग्रेस फैमिली तो हटने से रही, यही हो सकता है कि वो चेंज ऑफ बिल्कुल है। लेकिन अगर अमेठी हार जाते हैं, राहुल गांधी वायनाड जीतते हैं और अमेठी हारते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि स्मृति ईरानी को पिछले 5 साल से हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे आग लगने की खूब घटनाएं हुई, एक घर में आग लगती है, स्मृति ईरानी पहुंचती है, बाकायदा साड़ियां बांटती है वहाँ पे जी। तो इसका इम्पैक्ट तो वहाँ पे पड़ने वाला है। और जहाँ तक जैसे बिहार हम लोगों ने देखा तो बिहार में एक तो बड़े जो चेहरे हैं वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, जैसे जीतन राम मांझी को दिया गया सीटें दी गई, उपेंद्र कुशवाहा को दी गई सीटें, वीआईपी के मुकेश सहनी को दी गई अच्छी खासी सीटें दी गई, वो वोट ट्रांसफर अभी तक नहीं दिख रहा है जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें दी गई थी सीटें इतनी ज्यादा, तो वो नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो शुरुआती रुझान, दो प्रदेश ऐसे हैं उत्तर भारत के जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदों से कम प्रदर्शन कर रही है, एक झारखंड जहां पर 10 सीटों के रुझान आए हैं, एनडीए 3 पर आगे है और यूपीए 7 पर आगे है, पंजाब 13 सीटों के रुझान, एनडीए 2 पर आगे है, कांग्रेस 9 पर आगे है, एक आम आदमी पार्टी और एक अन्य, और ये जो अन्य है मुझे पूरा भरोसा है कि ये लुधियाना में जो बैसला ब्रदर्स हैं वो आगे होंगे, उनका वहां पर कुछ विधानसभाओं पे काफी होल्ड है, साध्वी प्रज्ञा के बारे में हम बता ही चुके हैं। झारखंड पर हमने बात कर ली है, पंजाब पर हम बात करेंगे जब रजत हमारे साथ होंगे। उत्तर प्रदेश के जो शुरुआती रुझान है उसमें एनडीए को बढ़त दिख रही है लेकिन महागठबंधन 10 पर आगे है और कांग्रेस 4 पर। क्या आपको लग रहा है कि जो बार बार बात कही जा रही थी कि यूपी में जो नुकसान होगा उसकी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में अगर भरपाई हो गई तो उतनी टैली रहेगी, नहीं हुई तो नीचे आ सकते हैं क्योंकि बाकी जगह थोड़ी थोड़ा नुकसान होगा, क्या आपको लग रहा है कि यूपी उसी दिशा में जा रहा है कि 45 से 50 भाजपा, 25 के अल्ले पल्ले गठबंधन और वो? जी विनय सुल्तान, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जब चुनाव पे पहले हम लोग जब लुटियन दिल्ली में घूम रहे थे दफ्तरों में तमाम जिस दौर में, तो उस समय बीजेपी के एक नेता से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने मैंने उनसे पूछा था कि भाई साहब वहाँ पे अगर सपा बसपा का गठबंधन हो गया तो आपकी तो स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि गोरखपुर हमने देखा, फूलपुर हमने देखा, कैराना हमने देखा,
तो उन्होंने उस समय हमको ये कहा था कि हमारी रणनीति जो है उसमें हमने 60 सीटें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे यादव और जाटव जो वोट हैं उनका कुल टैली जो है 50% से ज़्यादा नहीं होता था, हम वहां पे नॉन जाटव नॉन यादव जो है और मुस्लिम मिला के, और वैसी 60 सीटें उन्होंने कहा कि हमने आइडेंटिफाई की और वहां पे हम लोग जो है सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लगभग 55 का टारगेट उस समय बोल रहे थे कि हम लोग लेके चल रहे हैं, और वैसा ही हमको जब हम चुनाव की रणनीति बीजेपी की देखते हैं तो हमको ऐसा ही दिखाई देता है कि बीजेपी 55 सीट पे मतलब जो है पूरा जोर लगाए हुए थे कि वहां से किसी भी तरीके से 55 से नीचे स्कोर नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ सर, जब आप वो बोल रहे थे बार बार कि राहुल गांधी अमेठी से हारते हैं, तो मैं वायनाड की सीट क्योंकि देख रहा था वायनाड पर रुझान आ गए हैं, राहुल गांधी 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन ये वहां पे भी राहुल गांधी को केक वॉक नहीं है। मतलब सीपीआई के जो कैंडिडेट हैं पीपी सुनीर, वहां पे मेरी बीजू से बात हो रही थी जो कि किसान सभा करते हैं, बीजू कृष्णन, बीजू हाँ पीके भी, हाँ पी बीजू कृष्णन जो किसान सभा करते हैं आपके साथ में, जेएनयू में आपके साथ सीनियर रहे होंगे जी, तो उनसे मेरी बातचीत, बड़ा मुस्कुरा के कहा आपने जेएनयू का जिक्र आते ही जी, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, वो बता रहे थे कि हम लोग वायनाड पे खूब मेहनत कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि हम राहुल गांधी के लिए जगह खाली छोड़ रहे हैं, तो वायनाड में भी मुकाबला दिलचस्प है अमेठी के जैसा ही जी। एक और जगह जहां पर बार बार कहा जा रहा था, आप मेरे साथ नहीं थे, आप बनारस में मेरे साथ थे और हम अपने पुराने साथी से चर्चा कर रहे थे गोरखपुर की सीट की, और वो कह रहे थे रवि किशन का चुनाव फंसा है, और मेरा ये अंदाजा था बिना गोरखपुर जाए, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, कि रवि किशन को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि योगी ने अपने सारे संसाधन झोंक दिए हैं। गोरखपुर से शुरुआती रुझान आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रवि किशन गठबंधन के कैंडिडेट राम भुवाल निषाद से लगभग 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं जी, क्योंकि वहां पे निषाद फैक्ट्री, निषाद वोटर जो है वही डिसाइडिंग है। देखिए ये मैं आप लोगों को ये कह दूं, पहले भी कहता रहा हूं फिर भी, इस चुनाव के बाद कास्ट का परसेंटेज सामने रख के चुनावी चर्चा और चुनावी विश्लेषण कुछ रोक देना चाहिए कि इनका इतने परसेंट वोट है, इनका इतने परसेंट वोट है, इसलिए इतना परसेंट वोट वहां चला जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपके पास यूपी के आंकड़े भी हैं, पिछले कई चुनाव के आंकड़े हैं जो सीधे सीधे जोड़कर बताया जा रहा था कि इनको इतने परसेंटेज वोट मिले इस बार, जैसे पिछली बार का अगर 2014 की बात करें कि भाजपा को 42% वोट मिला है, बसपा का लगभग 20% है और सपा का लगभग 22% है, और उसमें रालोद का भी लगभग 1% जोड़ लें तो 43% हो जाता है, दोनों का 43-47 मान लीजिए। इतनी सीधी अंकगणित नहीं होती है सियासत की कि इनका 42 इनका जोड़ के 43 हुआ तो 43-42 से बड़ा नंबर तो ये आगे चले गए, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जी, अगर जातिगत जो जिस जातिगत आंकड़ों की बात की जाती है उस आधार पर तो महागठबंधन बहुत ही भारी दिखता है, यूपी हो चाहे बिहार हो, अगर सिर्फ उस पे बात करें रुझानों में, लेकिन रुझानों में वो नहीं दिख रहा है जी। सब लोग अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, जैसे बिहार में जो महागठबंधन बना था वो जातिगत आधार पर बना था जी, मुकेश सहनी जाति को एक करने के लिए मुकेश सहनी को लिया गया, कुशवाहा वोटरों को लामबद्ध करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा आ गए, मांझी वोटों के लिए वो अलग आ गए, जीतन राम मांझी आए थे, लेकिन जो नतीजे दिख रहे हैं, जो अभी रुझान शुरुआती रुझान दिख रहे हैं, नतीजे नहीं रुझान जो दिख रहे हैं, उनमें तो वो जातिगत समीकरण बिल्कुल ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं जी। दो सीटें जिन पर जो लोगों को अनुमान था वो अनुमान पुष्ट होता नजर आ रहा है, रायबरेली और बनारस। रायबरेली से कांग्रेस की कैंडिडेट सोनिया गांधी आगे चल रही हैं और बनारस से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं जी। मैं आपसे थोड़ा सा, क्योंकि ये रुझान अभी बहुत शुरुआती है, फिर भी एक थोड़ा सा मैं आपसे समझने की कोशिश, मतलब इस बार आप थोड़ा सा जवाब दीजिए, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि लोहिया के समय से ही उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो पिछड़ा और जो कास्ट इक्वेशन पे जो पूरा का पूरा राजनीति होती है उसके ऊपर जोर दिया गया, उसके बाद में 1991 का जो चुनाव हुआ मिले मुलायम कांसीराम 93 और उसके बाद में जो पोस्ट मंडल पोस्ट कमंडल वाली जो पूरी राजनीति है जहाँ पे एक जातिगत तरीके से पिछड़ों और दलितों की लामबंदी जो है हमको दोनों सूबों में दिखाई देती है, तो वो पहला मंडल वर्सेस कमंडल जो है 1993 हम लोग मान ले 1993 और दूसरा जो है अब हमको सीधी सीधी उस तरीके की टक्कर दिखाई दे रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो डिस्कोर्स जो है जो कमंडल का जो डिस्कोर्स है और जो मंडल का जो डिस्कोर्स है तो मंडलवादी राजनीति जो है अभी बैकफुट पे आपको लग रहा है कि मतलब इस तरीके से आप क्या कारण मानते हैं? जब ये मंडल और कमंडल की सियासत होती थी तब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऊंचे तबके के कथित सवर्ण जातियों के लोग करते नजर आते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे। नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी ताकतों में से एक है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज,
एक चरण पूरा हो चुका है राजनीतिक सशक्तिकरण का, जिसमें आपको आपकी कास्ट की वजह से नीचे नहीं देखा जा रहा है, पर उसके आगे क्या सम्मान मिल गया, सामाजिक न्याय की बात हो गई, अब उन्हें घरों में इमदाद चाहिए। अब वो सिर्फ किसी नेता की किसी प्रतीक पुरुष की फोटो लगाने से खुश नहीं है, अभी उनको आगे का चाहिए, उनको आवाज चाहिए, उनको शौचालय चाहिए, उनको सीधे कैश आता दिख रहा है और वो उन्हें एक व्यक्ति देता दिख रहा है। तो कास्ट को कई चीज़ों का एमलगमेशन, कई चीज़ों का मिक्सचर काउंटर करता है, उसमें एक सुप्रीम लीडर की छवि, उसमें वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी, उसमें संगठन, उसमें जो उनकी रहनुमाई का दावा कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क, इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है तब काउंटर होता है। और आप देखिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने योगी आदित्यनाथ को प्रोजेक्ट किया, आधे लोग कहते हैं कि साहब क्षत्रियो पॉपुलर, पर आधे लोग कहते हैं तो बाबा हैं, सब जात के हैं, लेकिन यूपी को नरेंद्र मोदी अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ के देखते हैं, पुश करते हैं। बचे कुछ अगले केशव मौर्य हैं जिनको बिहार में भी बुलाया गया रैलियों के लिए, बिहार में नीतीश कुमार हैं, खुद ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, रामविलास पासवान हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे वही सारे शुक्ला मिश्रा गुप्ता सिंह उनको आगे किया जा रहा हो, नैरेटिव चेंज हो रहा है। और इसके लिए गोविंदाचार्य को यह अंदाजा था, तो जब मंडल कमंडल की बात हो रही थी, गोविंदाचार्य उन दिनों पार्टी के संगठन महासचिव हुआ करते थे, तब उन्होंने एक टर्म दिया था सोशल इंजीनियरिंग का टर्म, और उन्होंने तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को यदि लॉन्ग रन में सस्टेन करना है तो ओबीसी बिरादरी से आने वाले नेताओं को आगे करना होगा। और उसी क्रम में यूपी में कल्याण सिंह आते हैं, मध्य प्रदेश में उमा भारती आती हैं, दूसरे प्रदेशों में भी दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, रुझान वायनाड में राहुल गांधी 10,000 वोटों से, लगभग 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव आगे चल रहे हैं, अमेठी में राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, आजमगढ़ में अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इस वक्त हमारे पास 42 सीटों का रुझान है, मध्य प्रदेश की 27 का। मध्य प्रदेश में सरप्राइजिंग है, कमलनाथ सरकार चला रहे हैं, 27 सीटों का रुझान है, भाजपा 26, कांग्रेस 1 और ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें पश्चिमी यूपी का प्रभारी बना के भेजा गया वो गुना से पीछे चल रहे हैं। कई जगह लोगों ने कहा, हमने भी ये सवाल पूछा, तो कमलनाथ सिर्फ अपने बेटे की सीट से आगे चल रहे हैं, मतलब कांग्रेस वहां पे छिंदवाड़ा मतलब बहुत ही गिवन है। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से आगे चल रहे हैं, कन्हैया कुमार बेगूसराय में तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, मतलब फाइट में भी नहीं है। ये भी एक बड़ी बहस चल रही थी जब हमने लोगों को बताया कि आप गिरिराज सिंह का चुनाव निकल जाए तो बोले अच्छा दूसरे पे कौन रहेगा, तो कहा गया दूसरे की फाइट है, और हम लोग तो जो बुंदेली लहजे में गए चिकाईबाजी के मूड में होते हैं, तो वहाँ होटल में बहुत लोग मिले और बाहर तो बोले भैया कैसा चुनाव ये वो, तो हमने कहा यार चुनाव ना छोड़ो ये बताओ दूसरे पे कौन आएगा तो वो उसी में गड़बड़ जाती थी। गांधीनगर से अमित शाह के बारे में रुझान आ गया है, और अमित शाह गांधीनगर से 25,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड, आडवाणी अभी तक वहां से थे अमित शाह, और कई लोगों ने जो मेरी गांधीनगर बात भी बोले साहब यहाँ तो लड़ाई ये है, उन्होंने कहा ऑफ कैमरा कि हम बनारस से ज्यादा मार्जिन रख पाते हैं कि नहीं। ये भविष्य की राजनीति के लिए भी एक संकेत है। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के बाद की भाजपा अमित शाह के सर पर सेहरा बांधेगी? देखिए आप इसको इस तरीके से लीजिए कि जो भाजपा का संगठन है पिछले 5 साल में अमित शाह ने उसको किसी कॉर्पोरेशन में बदल दिया है। अच्छा, और वो एकदम जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि जैसे रोमन गैरिसन होते थे किलिंग मशीन की, मतलब आपको जाना है, मतलब राजस्थान में खासतौर पर जब मैंने देखा पिछली बार विधानसभा चुनाव में, जो हमको शुरुआती जो रुझान लोगों का इतना गुस्सा था वसुंधरा राजे को लेकर कि हमने ये सोचा था कि शुरुआती एक आंकड़ा जो दिमाग में बैठता है कि 120 से 140 के बीच में कांग्रेस कहीं पे जाएगी और कांग्रेस को बहुमत के लाले पड़ गए। यही स्थिति जो है मध्य प्रदेश में भी दिखी। तो चुनाव लड़ने का तरीका जो है भारतीय राजनीति में अगर पिछले 2 दशक में किन दो लोगों ने चेंज किया तो पहले प्रमोद महाजन रहे हैं और दूसरे अमित शाह रहे हैं, और चुनाव लड़ने का तरीका जो है वो पूरी तरीके से अब बदल चुका है, और इसको कांग्रेस को ग्रैब करने को इसको समझने में बहुत लंबा वक्त लग जाएगा मेरे को ये लगता है। और कांग्रेस के पिछड़ने की मेन वजह ही यही है कि एक तकनीक आपको कहां से कहां पहुंचा देती है कि किसी दौर में एक नस्ल के पास में घोड़े थे और उसने दुनिया जीत ली है ना, और किसी नस्ल के पास में नावें थी उसने दुनिया जीत ली, किसी पार्टी के पास में सोशल मीडिया था और उसने जो है भारत जीत लिया। ये आगे आने वाले समय में हमको जो है हम लिख सकते हैं इस बात को, मेरे को ये लगता है। फिलहाल तो आप ये लिख लीजिए कि रुझानों के मुताबिक, अभी मैंने आपको बताया था कि तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर आगे चल रहे हैं, नए रुझानों में शशि थरूर पीछे चल रहे हैं। क्या ट्वीट करेंगे शशि थरूर अगर हार जाते हैं?
नैतिक जीत की तरफ। नहीं नहीं, एक तो आपने बहुत संस्कृत इस्तेमाल कर दी, वो तो कुछ नया ही शब्द लेकर आएंगे। वो जो ट्वीट करेंगे उसको एक बार देखना पड़ेगा, डिक्शनरी खोजनी पड़ेगी। वो एक शब्द लिख देंगे मोदी और क्या, और एक शब्द लिख देंगे मोदी। अच्छा, वो एक शब्द लिख देंगे मोदी। चलिए, उत्तर प्रदेश में आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश घूम कर आए हैं। उत्तर प्रदेश से एक और रुझान मुजफ्फरनगर की सीट, और मुजफ्फरनगर की सीट से राष्ट्रीय लोकदल के सबसे बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह पीछे चल रहे हैं। संजीव बालियान को बढ़त हासिल हो रही है। वरुण गांधी के बारे में भी अपडेट आ रहा है, वरुण गांधी पीलीभीत की सीट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। 5600 वोटों से पीछे हो गए राहुल गांधी। राहुल गांधी अमेठी में लगातार पीछे होते जा रहे हैं। 5600 वोट मार्जिन बढ़ रहा है। हाँ, इस पे बोलिए, इस पे बोलिए जी। शुरुआती मार्जिन बढ़ रहा है, 5600 वोट हो गए। हाँ, जब मैं रायबरेली में था सोनिया गांधी की सीट पर, तो वहाँ भी ये चर्चा बड़ी सुनने को मिली कि रायबरेली में तो फिर भी काम हुआ है, रेल कोच फैक्ट्री आई है, एम्स खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज है और चीज़ें हैं, मगर अमेठी, मतलब रायबरेली के लोग भी ये बोलते हैं कि अमेठी में जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ये वही नज़र आ रहा है, जो नतीजा है ये उसी में नज़र आ रहा है। फिर अगर कांग्रेस की यूपी में बात करें, तो जैसे कि कांग्रेस खुद ही बैकफुट पे थी। हम जब उनसे कार्यकर्ताओं से बात करो तो 2022 की बात करते हैं कि ये तैयारी प्रियंका की लॉन्चिंग है 2022 की। ये जो उन्होंने टर्म सीख लिए ना लॉन्चिंग वाले, हाँ, जबकि अमित शाह बोलते हैं कि लॉन्चिंग तो उनकी बहुत पहले हो गई थी। कितनी बार लॉन्च करवाओगे आप लोग? तो बिहार का रुझान इस वक्त 31 सीटों का रुझान, 24 पर एनडीए आगे है, 7 पर विपक्षी गठबंधन जो आगे है। तो ये मोटा माटी वही जो 31-9 था पिछली बार, उसकी तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तराखंड में एक सीट पर कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है, जबकि 4 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश का कुल रुझान 43 सीटों का, 30 पर एनडीए आगे, 10 पे गठबंधन और कांग्रेस 3 पर आगे है। तीसरी कौन सी है? अरे अभी तो पूछो दूसरी कौन सी है। रैली हो गई। जी, बेगूसराय में जैसा बताया कन्हैया कुमार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। बहुत सारे मीडिया के लोग पहुंचे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज पहुंचे उनके प्रचार के लिए, लेकिन बार बार ये बात कही जा रही थी कि जो लोग प्रचार करने आ रहे हैं इनका वोट कितना है, और सिर्फ मीडिया में हेडलाइंस पाने से वोट नहीं मिलता है, ये भी बात कही जा रही थी। जी, पता है वेस्ट बंगाल के जो रुझान आ रहे हैं उनके बारे में क्या टिप्पणी है आपके? वेस्ट बंगाल के अभी आपके पास ताजा रुझान क्या है? ताजा रुझान में बता दूंगा आप, तब तक जी टीवी यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब अच्छा। वेस्ट बंगाल में, हाँ, तो मेरे को अभी ताजा रुझान यहाँ से पता नहीं है कि मतलब, कड़ा मुकाबला है टीएमसी और उनके बीच, टीएमसी और बीजेपी के बीच जी। अच्छा, तो इसमें तो मैं जैसा कि आपको पहले ही बता रहा था कि वहां पे जो टीएमसी के अलावा बीजेपी को लेके एक अंडर करंट है, लेकिन लोग लगातार जो है खुल के बता नहीं रहते। आप जब बहुत कुरेदेंगे उनको तो लास्ट में जाके वो आदमी आपको ये कहेगा कि हमको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, हमको स्टेट में दीदी चाहिए और वहाँ पे नरेंद्र मोदी चाहिए। लेकिन वो भी बहुत, आप जब आप बहुत तरह तरह से उनको पूछेंगे कि अच्छा अच्छा क्या लगता है नरेंद्र मोदी ने कैसा काम किया है। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे टीएमसी ने कुछ योजनाएं हैं जिनको हमको बार बार सुनने को मिला, जैसे कन्याश्री एक योजना है टीएमसी की, जो कि वहाँ पे काफ़ी जिसका जिक्र हमको लगातार सुनने को मिला कि लड़कियों की पढ़ाई को लेके जो है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहाँ पे काम किया है स्टेट में, कुछ तो काम उन्होंने भी किए हैं मतलब कि, और तमाम तरीके की उनकी 3-4 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें आखिरी में श्री लगता है, तो उस किस्म की योजनाएं जो है उनका भी जिक्र हमको बार बार सुनने को मिला। लेकिन मेरे को ये लगता है कि टीएमसी को लेके एक जो टीएमसी के खिलाफ जो मैंडेट अगर इस लोकसभा चुनाव में आता है, तो उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी के लिए विधानसभा में रास्ते खुल गए हैं। वो मतलब वो नहीं, रास्ते तो खुल गए हैं लेकिन मंजिल अभी मिलेगी कि नहीं, नहीं मिलेगी तो वैसी स्थिति है, क्योंकि वो वैसा ही है जैसे मध्य प्रदेश में या राजस्थान में हमको शिवराज सिंह और मतलब कि वसुंधरा राजे के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा था लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था। वहां पे ऐसा हो सकता है कि स्टेट में ये जो आंकड़े हैं वो उल्टे हों, क्योंकि लोगों का ममता बनर्जी के खिलाफ एक तो डर के मारे भी लोग नहीं बोल रहे थे, और दूसरी चीज ये है कि कुछ उनकी लोकप्रियता भी हम लोगों के बीच में हमको दिखाई दी, मतलब कुछ लोग ऐसे भी मिले जो टीएमसी के समर्थक थे और उन लोग बोलते थे कि यहाँ पे जो ममता बनर्जी ने कायदे से काम किया, तो ये मोटा मोटी जो बीजेपी वहाँ पे वेस्ट बंगाल का खाका हमको दिखाई दे रहा है। विनय, एक बार फिर वेस्ट बंगाल से वापस लौटेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, जहाँ से एक और बड़ी टीवी के लहजे में कहे तो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आजमगढ़ की सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अखिलेश यादव पीछे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश यादव उर्फ निरहुआ बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा अपडेट, दूसरा बड़ा अपडेट जिस पर कम लोगों की नजर है, और उत्तर भारतीयों पर यह ठीक इल्जाम लगता है कि वो दक्षिण भारत की सियासत और दक्षिण भारत की समझ कम रखते हैं और बात पूरे भारत करते हैं ऐसे जैसे खुद ही रिप्रेजेंट करते हों।
22 सीटों पर तमिलनाडु की विधानसभा की उपचुनाव हुए हैं। उन 22 सीटों में सत्तारूढ़ दल को AIADMK को कम से कम 5 सीटें जीतने की जरूरत है। वहां पर जो रुझान आए हैं उसमें AIADMK अभी 4 सीटों पर आगे चल रहा है और DMK 8 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर उनको सरकार बचा के रखनी है तो उन्हें 5 सीटें जरूर जीतनी होंगी। अखिलेश यादव, शुरुआती रुझान पीछे चल रहे हैं, आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा इस पे। अखिलेश जी, अखिलेश यादव और निरहुआ दोनों के बीच मुकाबला था। जब लोकल हम बात कर रहे थे लोगों से आजमगढ़ में, तो लोग कहते हैं जो भी काम हुआ है वो अखिलेश यादव ने किया है। मतलब मैं दूसरा सवाल करता हूँ कि जो काम हुआ है क्या वो काफी है? तो लोग कहते हैं नहीं, वो काफी नहीं है। तो वो काफी नहीं होना और फिर राज्य में बीजेपी की सरकार होना और केंद्र में भी उनको लोगों को वहां लग रहा था कि बीजेपी की सरकार आ सकती है। अगर आप वहां पे विधानसभा की बात करें तो 10 विधानसभाएं हैं जिसमें कि 9 विधानसभा इतनी लहर में 17 में सपा और बसपा गठबंधन के पास थी। सिर्फ एक सीट जो रमाकांत यादव हैं उनके लड़के वो जीते थे वहां पे। तो जब निरहुआ से हम बात कर रहे थे तो उनका भी ये कहना था कि ये सिर्फ अपना जो कागज पे समीकरण है, आंकड़े हैं, उनको जोड़ के इनको लग रहा है कि वो आगे हैं। जबकि मैं उनका कहना यह था कि आप यादवों में भी मुझे कुछ चंक मिलेगा, मुसलमानों में भी कुछ चंक मुझे वोट मिलेगा, ये निरहुआ ने कहा। निरहुआ ने कहा कैमरे पे। और उनका ये क्लेम था कि अगर ये कोई मानेगा एक तरफा वो जीत जाएंगे तो ऐसा नहीं है, और आजमगढ़ मेरा काम है, कर्मभूमि है, लगातार उनकी तमाम। अच्छा, वो नेताओं की तरह ये टर्म्स यूज करने शुरू कर दिए। बिल्कुल। और वो तो सीधे अखिलेश यादव को कायदे से चैलेंज कर रहे थे जब हमने उनसे बात की कि आपको तो अवार्ड दिया था उन्होंने। हाँ। आपको तो गौरव बताया था उत्तर प्रदेश का। तो उन्होंने कहा कि गौरव बताया या मुझे अवार्ड दिया तो वो एक कलाकार के नाते दिया था, ना कि अखिलेश यादव ने मुझे खरीद लिया था। तो अगर उनको लगता है कि उन्होंने मुझे खरीद लिया है और मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, नहीं बोल सकता, तो वो अवार्ड वापस ले लें। अच्छा, तो इतना एग्रेसिव होकर वहां पे कैंपेन कर रहे थे। आखिरी दिन मैं साथ में घूम रहा था, उनका खास जोर था दलित बस्तियों में। अच्छा। हाँ, मैं जब उनका इंटरव्यू लेने गया हुआ था तो 3-4 घंटे मैंने उनके साथ ट्रेवल किया था, तो वो सिर्फ दलित बस्तियों में जा रहे थे और अपने साथ के जो लोग थे उनसे भी यही कह रहे थे कि आज सिर्फ और सिर्फ जो दलित बस्तियां जहाँ दलित वोट ज्यादा है वहां चलो और यूथ के बीच चलो। तो उनका उनको पता था कि समान वोट मुझे मिलना ही है, ठीक है, ओबीसी का वोट एक बड़ा चंग मिलना ही। तो वो कह रहे थे अगर दलित में सेंध मार ले गए और यादवों में अगर उनको थोड़ा मिल गया तो वो टक्कर दे सकते हैं, जो कि वो दिखते लेते दिख रहे हैं इस वक्त। जी, आजमगढ़ के साथ एक और चीज़ थी कि मुलायम सिंह वहाँ पिछले 5 साल सांसद रहे थे और जितना काम होना चाहिए था एक तो वो नहीं हुआ। दूसरा जो ये रमाकांत वाला फैक्टर बता रहे थे कि रमाकांत शुरुआत में तो विरोध कर रहे थे उनका, निरहुआ का, लेकिन बाद में लगता है कि वो फिर समर्थन में आ गए थे। और अखिलेश यादव वो चाहते थे एक वहां से लड़ना चुनाव, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया था, फिर बाद में कांग्रेस में चले गए फिर वो, लेकिन अंदर अंदर फिर उन्होंने सपोर्ट किया है उनको, क्योंकि उनकी कांग्रेस में भी नहीं जमी, वहां से भी वो टिकट नहीं पा पाए। जी, तो उन्होंने उनकी मजबूरी थी फिर बीजेपी के पास ही वापस लौट के जाना और निरहुआ को समर्थन करना। जी, तो एक तो ये वजह रही होगी। चलिए, वजहों पर बात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 542 सीटों पर चुनाव हुए, 430 सीटों के रुझान आ गए हैं और रुझानों में NDA ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। 432 के रुझान और NDA 275 सीटों पर आगे है, पिछली बार के मुकाबले 4 का नुकसान। UPA 85 पर आगे है, पिछली बार के मुकाबले 27 का फायदा। अन्य 72 पर आगे है, पिछली बार के मुकाबले 23 सीटों का नुकसान। खुद भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो BJP 243 सीटों पर आगे है। BJP हमेशा ये चाहेगी कि सरकार NDA की बने, पर BJP अपने दम 272 का आंकड़ा, 273 का आंकड़ा पार कर ले। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रुझान बदल गए हैं। एक सीट पर कांग्रेस आगे चल रही थी, अब 5 की 5 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। UP 47 में NDA 33 पर आगे है, महागठबंधन 12 पे और कांग्रेस 2 पर। तो जो आप लोगों ने एग्जिट पोल के बाद कहा था, ऑन स्क्रीन कहा था कि 51 सीटें तो BJP की आ रही हैं, फिलहाल रुझान वैसे ही नजर आ रहा है। NDA को पंजाब में लॉस है, एज प्रिडिक्टेड 13 में 3 पर वो आगे हैं और 8 से 9 सीटों पर आगे हैं UPA के कांग्रेस के लोग। मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप कर रही है भाजपा, 28 के रुझान है, 27 पर भाजपा आगे है और कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे है। झारखंड में NDA को नुकसान हो रहा है, पिछली बार जीते थे, 14 में 12 सीटों पर रुझान, NDA 5 पर आगे है, कांग्रेस 7 पर। हालांकि NDA की टैली यहाँ 3 से 4 हुई और अब 4 से 5 हो गई है। ये शुरुआती रुझान है, कुछ एक या दो चरणों की मतगणना हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक सीट, उत्तर प्रदेश की उरई जालौन लोकसभा सीट, वहां पर पहले चरण की मतगणना पूरी हो गई है और वहां से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद
भानु प्रताप वर्मा बसपा के कैंडिडेट अजय सिंह उर्फ पंकज से करीबी अंतर से आगे चल रहे हैं। मुकाबला मुश्किल है। कैंडिडेट को लेकर काडर में नाराजगी थी, वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर गिरा। सारे के सारे विधायक जो 5 सीटें लगती हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायकों को लेकर भी वोटर्स की बहुत अच्छी राय नहीं थी, लेकिन अगेन मोदी फैक्टर था और बसपा ने गठबंधन में ये सीट बसपा के हिस्से में आई। और जालौन वो जिला है जहां से बसपा के शुरुआती 1989 के दौर में विधायक जीते थे चैन सुख भारती कोच से, तो खाता खोलने वाली जगह है। काशीराम ने साइकिल से गांव गांव बड़ी यात्रा की है। यहां से कोच के ही पूर्व विधायक अजय सिंह उर्फ पंकज को बसपा ने टिकट दिया। कई लोगों ने कहा कि वो बहुत लोकप्रिय नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल गणित के हिसाब से, सबके हिसाब से वो मुकाबला देते नजर आ रहे हैं, हालांकि पीछे चल रहे हैं। वायनाड से लगातार ये अपडेट आ रहा है कि राहुल गांधी आगे, अमेठी से पीछे। जी जी। और उरई जालौन से थोड़ी सी कम महत्वपूर्ण सीट नागौर की है, जहां से हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं, जहां का मैं रहने वाला हूं वहां पे भी मुकाबला दिलचस्प था। हनुमान बेनीवाल राजस्थान की राजनीति जो लोग समझते हैं, कम से कम आसपास की जो जाट बाहुल्य की 6 सीटें हैं उसके ऊपर उनका असर दिखाई देना लाजमी था। और ऐसा है मतलब क्योंकि वैभव गहलोत की गणित भी, वैभव गहलोत का समीकरण भी इस वजह से खराब हुआ क्योंकि हनुमान बेनीवाल दो बड़े वोटर्स हैं वहाँ पे जोधपुर की सीट पे, राजपूत और जाट। तो जाटों को पारंपरिक तौर पे माना जाता है कि कांग्रेस के वोटर हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल का बीजेपी में आने की वजह से वो वोट जो है वो बीजेपी की तरफ खिसका है। इसकी वजह से वैभव गहलोत के नीचे का धरातल जो है उनको खिसकता नजर आ रहा है ये। और नागौर से वहाँ पे मिर्धा परिवार लगातार जीतता है आज़ादी के बाद, और नाथुराम मिर्धा की पोती हैं ज्योति मिर्धा, वो वहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार दफा चुनाव हार गई थी वो सिहार चौधरी से, इस बार वो फिर वो पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। दिलचस्प मुकाबला था नागौर में भी, वहाँ मैं वहाँ का रहने वाला हूँ तो दिलचस्पी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये एक अपडेट हमारे पास में और था। यूपी की कुछ और सीटों के रुझान आ रहे हैं जिसमें जया प्रदा आगे हैं, आजम खान पीछे हो गए हैं। अच्छा। और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ रायबरेली से आगे है, बाकी जो सीटें थी उनसे पिछड़ गई है। तो जो तीन बोल रहे थे हाँ वो एक हो गई। हाँ। और कन्नौज में डिंपल यादव फिलहाल आगे दिख रही है। कन्नौज की सीट जहां पर कई लोगों ने कहा कि डिंपल यादव एक मुश्किल मुकाबले में फंसी हुई है, कई लोगों ने कहा नहीं नहीं दलित वोट बहुत है, पार लग जाएगा, इसीलिए रैली के मंच पर पांव छुए मायावती के, वो एक पॉलिटिकल जेस्चर था वगैरह वगैरह। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सुब्रत पाठक हैं जो पिछली बार 19,000-20,000 वोटों से हारे थे डिंपल यादव से, और अभी जो आपने रुझान बताया उसके हिसाब से पीछे चल रहे हैं। झांसी से एक अपडेट है, झांसी से अनुराग शर्मा 5,000 वोटों से गठबंधन के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। बुंदेलखंड की एक और सीट है हमीरपुर, वहाँ पर पुष्पेन चंदेल गठबंधन के प्रत्याशी से दिलीप सिंह से पीछे चल रहे हैं। तो बुंदेलखंड में हमीरपुर सबसे कमज़ोर मानी जा रही थी भाजपा के लिए, और उरई जालौन और झांसी और बांदा की सीटों के बारे में कहा जा रहा था कि ये पार लग जाएंगे। मध्य प्रदेश से एक अपडेट है, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह जो अभी विधानसभा चुनाव हारे नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, वो सीधी में पीछे चल रहे हैं। और आजमगढ़ से अखिलेश यादव पीछे चल रहे हैं, डिम्पल अभी आगे चल रही है, अखिलेश यादव पीछे चल रहे हैं। जी सीधी में गया था जब मैं चुनाव कवर कर रहा था, तो वहाँ पे सीधा सीधा मुकाबला ये था कि हमको कई लोगों ने वहाँ पे सीधे में ये बोला कि अगर रीति पाठक जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं अपने दम पे लड़ती हैं तो उनको 2,000 वोट नहीं आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट डाल रहे हैं। आखिरकार जब हमने अजय सिंह राहुल का जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बड़ा कटाक्ष करते हुए पूछा कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ कि रीति पाठक के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। हाँ। बावजूद इसके कि वहाँ पे बीजेपी संगठन जो है वो टुकड़ों में बटा हुआ था, सीधी में सीधी के जो विधायक हैं केदार शुक्ला वो रीति पाठक के खिलाफ हैं, और मतलब वहाँ पे खुलेआम उन्होंने बगावत कर दी थी रीति पाठक के कैंडिडेचर को लेकर। शुरुआत में उनका टिकट कटने की भी आशंका जताई जा रही थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो है राकेश सिंह उनके साथ में रीति पाठक की करीबी बताई जाती है, उनकी खासम खास जाते हैं, इस वजह से उनका टिकट बचा रहा, किसी भी तरीके से रीति पाठक को टिकट मिला है। और अब जो मोदी लहर जो है मोदी फैक्टर के तहत उनको अच्छी खासी बढ़त मिलती हमको सीधी से नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर आगे नहीं चल रही है। अब तक रायबरेली में सोनिया गांधी आगे चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के दिनेश सिंह के मुकाबले, लेकिन ताज़ा रुझानों में सोनिया गांधी भी पीछे हो गई हैं। आई रिपीट, अमेठी से राहुल गांधी पीछे चल रहे हैं, मार्जिन बढ़ता जा रहा है उनकी और स्मृति ईरानी के बीच। और सोनिया गांधी जो अभी तक रायबरेली से आगे चल रही थी, और कहा जा रहा था कि ये से एक सीट पर तो चीज़ें आसान हैं,
सोनिया गांधी भी पीछे हो गई हैं। और एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मुकाबले आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में हमारे पास 28 सीटों के रुझान हैं, 28 में भाजपा 14 सीटों पर आगे चल रही है 12 सीटों का फायदा, टीएमसी 13 पर आगे चल रही है 21 सीटों का नुकसान, कांग्रेस 1 पर आगे चल रही है और उसे 3 सीटों का नुकसान है। रायबरेली पर आपकी टिप्पणी, फिर वेस्ट बंगाल पे आऊंगा। रायबरेली में जब मैं घूम रहा था तो लोग मानते हैं काम हुआ, मगर दिनेश सिंह जो कि सारा चुनाव देखते थे इनका, सोनिया गांधी का, और सोनिया वहां पत्रकार मुझे बता रहे थे कि सोनिया गांधी का दत्तक पुत्र भी उनको कहा जाता है, तो उनको अंदर की चीजें पता थी, तो मुझे लगता है वो जो अंदर की चीजें पता थी, जो मैनेजमेंट वो करते थे वो उन्होंने अपने खेमे में कर लिया। उनके भाई एमएलसी वहां पे वो कांग्रेस से ही थे, वो भी बीजेपी में आ गए, तो पूरी ताकत उनके पास, मतलब फ्लोर मैनेजमेंट जो बात होती है वो दिनेश सिंह के पास था, तो वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है इस वक्त। और उसके बाद वहां के लोगों में ये चर्चा थी मोदी के नाम की कि फिर से लोकसभा चुनाव में मोदी आ सकते हैं, तो लगातार जो कैंपेनिंग रही है वहां पे लोगों की, सनी देओल वहां प्रचार करने आया, तो मतलब ताकत से लड़ी है बीजेपी, ऐसी मजबूत सीटें, चाहे कन्नौज देख लीजिए, चाहे रायबरेली देख लीजिए, चाहे अमेठी देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, जहां पे मजबूत प्रत्याशी सामने रहा है बीजेपी के, बीजेपी वहां मजबूती से लड़ी भी है। और ये बात बीजेपी के बड़े नेता एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमने कोई सीट छोड़ी नहीं है, वॉकओवर नहीं दिया है। अब मुलायम सिंह की बात कर ले, मुलायम सिंह भी कुछ देर पहले बता रहे थे कि पीछे आगे चल, नहीं मुलायम सिंह आगे चल रहे, तो वहां भी प्रेम सिंह शाक्य को टिकट दिया, ये देखे कि 4 लाख अगर वहां पे यादव वोट है तो 3.5 लाख शाक्य वोट है, तो वो समीकरण हर जगह बैठाने की कोशिश की है कि काट हो जाए जो मजबूत वोट बैंक है उसका, तो ये वही नजर आ रहा है रायबरेली में भी। जी उत्तर प्रदेश की बात करें, 52 सीटों के रुझान, 37 पर एनडीए आगे, महागठबंधन 13 पर, कांग्रेस रुझानों में फिर से 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है, लेकिन रुझान ये देर में रिफ्लेक्ट होते हैं, देर में चेंज होती है टैली। सुपौल से रंजीता रंजन, पप्पू यादव की पत्नी, रंजीत रंजन नाम है उनका, वो जेडीयू के दिलेश्वर जो है, दिलेश्वर कामत, उनसे पीछे चल रही है। लोगों ने एक लिस्ट बन रही थी कि इस बार कितने पति पत्नी नजर आएंगे लोकसभा में, तो संभावितों की सूची में सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल, डिम्पल और अखिलेश, पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा, पप्पू यादव और रंजीत रंजन, ये लड़ रहे हैं चुनाव। बसपा के भी कुछ कैंडिडेट हैं राजस्थान में, उनका भी यही है, लेकिन फिलहाल इनमें सिर्फ डिंपल यादव आगे चल रही हैं, बाकी सारे कैंडिडेट्स पीछे चल रहे हैं। पंजाब का भी हमारे पास अपडेट नहीं है, पंजाब से एक अपडेट आ रहा है कि कन्हैया दूसरे नंबर पर है और सिर्फ 1000 वोटों का अंतर है फिलहाल जो दिख रहा है। जी गिरिराज सिंह को, नहीं 1000 से थोड़ा सा ज्यादा है, गिरिराज सिंह को लगभग 9000 वोट मिले हैं और कन्हैया कुमार को 7000 कुछ वोट मिले हैं और गिरिराज सिंह को 1700 की लीड है, पर आरजेडी भी 6700 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है, और जितना आरजेडी अच्छा करेगी गिरिराज सिंह के लिए उतना ही अच्छा है। हाँ, क्योंकि अगर आरजेडी नहीं होती और कन्हैया कुमार संयुक्त महागठबंधन के कैंडिडेट होते तो गिरिराज सिंह के लिए तस्वीर थोड़ी दूसरी होती शायद, और मधेपुरा जैसे हैवीवेट थे शरद यादव, वो सबसे पीछे हैं तीसरे नंबर पे वहां पे जी जी दिख रहे हैं। मेरठ से अपडेट है, जैसा प्रेडिक्शन था और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा भी कि जो हम सीटें लूज कर रहे हैं, अरिथमेटिक में हार रहे हैं, उसमें एक मेरठ की सीट है, वहां से हाजी याकूब चुनाव में आगे चल रहे हैं, ये एक अपडेट है। वेस्ट बंगाल पर आपकी टिप्पणी। वेस्ट बंगाल पे आप ये समझिए कि 2009 का जब चुनाव था उस समय लेफ्ट फ्रंट जो था, 2000 जो यूपीए वन थी लेफ्ट फ्रंट, उसमें सबसे डिसाइसिंग जो चंग था मतलब संसद में वो था 54 के तकरीबन, उनके पास में सांसद हुआ करते थे, उसके दम पे वो मनमोहन सरकार को लगातार घुटनों पे लाए रखते थे तमाम तरीके की नीतियों पर, न्यूक्लियर डील पर। लेकिन 2009 में उनको जब नकारा गया, 2009 में उनको पहला झटका लगा लोकसभा इलेक्शन में कि उनकी टैली जो है टोटल घट के 30 पे आ गई थी और बंगाल में वो मतलब कि 20 के भीतर आ गए थे, 12 या 14 सीटें थी उनकी बंगाल में। और उसके बाद में 2011 का जो विधानसभा इलेक्शन था उसमें टीएमसी ने उनको उखाड़ फेंका था, और ये स्थिति जो है हमको अब बीजेपी की अगर सत्ता परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है कि होता हुआ 2021 के सत्ता परिवर्तन का, तो आलम ये है रुझान में विनय की ममता, नहीं मेरे पास माइक है, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी पीछे चल रहे हैं डायमंड हार्बर से। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर डायमंड हार्बर से अगर वो पीछे चल रहे हैं, दरअसल अभी टीएमसी अभिषेक ही चला रहे हैं, मतलब पर्दे के पीछे का सारा काम करना, टीएमसी का संगठन खड़ा करना, उसके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना और तमाम सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट में हर जगह, जब हम तमाम तरह की, चाहे पुरलिया हो, चाहे बांकुरा हो, चाहे आसनसोल, हम जहां कहीं पे भी गए अभिषेक का एक करीबी आदमी जो है हमको वहां पे मिल जाता था कि ये फलाना आदमी जो है वो वहां पे अभिषेक मुखर्जी अभिषेक बनर्जी का करीबी आदमी है, और इसकी वजह से ये सबसे बड़ा और कद्दावर आदमी है इस डिस्ट्रिक्ट का, इस जिले का, मतलब हमने आसनसोल में भी देखा। और वो लोग पार्टी के फोल्ड में नहीं होने के बावजूद
तमाम तरीके के लोग इस तरीके से टीएमसी को बाहर से प्रभावित करते थे, टीएमसी के लिए मसल पावर का इस्तेमाल करते थे। अभिषेक जो है वो पूरी तरीके से टीएमसी को वहां पे चला रहे हैं। डायमंड हार्बर में पिछली दफा वो 2 लाख से ज्यादा वोटों से हारे जीते थे, माफ कीजिए, तो अगर इस बार अगर उनकी हार होती है, अगर वो पीछे चलते हैं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो ये अगर डायमंड हार्बर की स्थिति ये है, वहाँ पे सबसे ज्यादा इज्जत दाव पे लगी हुई है टीएमसी की, और अगर वहाँ से हार हो जाती है या अगर पिछड़ भी रहे हैं तो ये बड़ी दिक्कत, वो रायबरेली है वहाँ पे टीएमसी का डायमंड हार्बर, तो उसको समझ। ये एक बढ़िया जुमला आपने इस्तेमाल किया कि वो टीएमसी का रायबरेली है। गुना बड़ा मजबूत गढ़ माना जाता था सिंधियाओं का, कि साहब पर्चा भर दो, जाने की जरूरत भी नहीं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अब इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उनको दूसरे प्रदेशों का प्रभारी बनाया जाने लगा है। लेकिन गुना में पहले राउंड की गिनती के बाद सिंधिया केपी यादव जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनसे 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये काफी चौंकाने वाला, ये बड़ा मार्जिन है। मतलब पहले राउंड में मेरे हिसाब से गिनती 15,000 से 20,000 वोटों की होती है जी। उसमें अगर 3000 की लीड अगर केपी यादव को है तो इसमें बहुत सारी चीजें काम करती है। मान लीजिए किस इलाके का बैलेट बॉक्स खुल रहा है उसके ऊपर, किसी भी इलाके का, वो तो गुना में हर जगह से लीड लेके आते थे। नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब गुना में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पे बीजेपी मजबूत रही हो या बीजेपी परंपरागत वोटर। मेरा ये कहना, जब लोकसभा चुनाव के ट्रेंड आते थे, जो पिछले 2-3 चुनाव के ट्रेंड है, तो वो हर सीट से, हर बूथ से मोटा माटी, क्योंकि बूथ नहीं हो रहा ना अभी, तो विधानसभा के आंकड़े आ रहे हैं, तो हर विधानसभा से लीड लेके आते थे। और एक बड़ी खबर, एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, चुनाव लड़ रहे थे, नाम एच डी देवेगौड़ा पीछे चल रहे हैं। कई बड़े दिग्गज हैं जिनकी सीटें फिलहाल खतरे में नजर आ रही हैं, और अगर टोटल टैली की बात करें तो अब हम धीमे धीमे 542 के करीब पहुंच रहे हैं रुझानों में, और एनडीए 300 के आंकड़े पर पहुंच गया है। 18 सीटों का नुकसान है पिछली बार के मुकाबले, 300 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। यूपीए का शतक पूरा हो गया, वो 107 पर आ गए हैं, उन्हें 47 का गेन है। इसमें एक बड़ा गेन डीएमके का है, जो तमिलनाडु के एलआई जिसने पिछली बार बहुत खराब प्रदर्शन किया था, इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की टैली भी थोड़ी सी बढ़ रही है झारखंड की वजह से, पंजाब की वजह से। अन्य को बड़ा नुकसान है, 80 सीटों पर अन्य आगे है और पिछली बार के मुकाबले 28। राज्यों की बात करें, उत्तराखंड में 5 सीटें, 5 पर भाजपा आगे। यूपी में 60 सीटों का रुझान आया है, 46 पर एनडीए आगे, 13 पर महागठबंधन और 1 पर कांग्रेस आगे है। अब वो एक सीट कौन सी है ये अभी देखना होगा, क्योंकि अमेठी से राहुल पीछे हैं और वहां से सोनिया पीछे हैं। पंजाब में 13 के रुझान, एनडीए 3, कांग्रेस 9 और आम आदमी पार्टी 1। संगरूर की सीट होगी जहां पर वो फाइट देते नजर आ रहे थे। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा आगे चल रही हैं। बाकी जो भी आपको अपडेट्स हैं हम लगातार आपको बता रहे हैं जी। 300 पे पहुंच गई है एनडीए, 300 पे अगर एनडीए पहुंच गई है तो मतलब हम लगातार ये बातचीत कर रहे थे, तो हमको ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कि अगर 240 प्लस अगर एनडीए होता है तो हम प्रयास जो है वो छोड़ देंगे, मतलब कि इस तरीके की स्थिति अगर पैदा होती। बहुत शुरुआती रुझान है और लगातार हम लोग देख रहे हैं, तो एनडीए को मतलब मेरे को लगता है कि कोई रोला दावा बचेगा नहीं, मतलब अगर टैली जो है अब बहुत चेंज नहीं होगी। बिहार के भी रुझान है हमारे पास, 32 सीटों के रुझान, 27 पर एनडीए आगे, 5 पर कांग्रेस। अविनाश आप बिहार में थे जी, वहाँ पे भी सिर्फ बस यही देखा जा रहा था कि जो भी एक तो वोट शिफ्ट नहीं करा पाए, और मोदी के नाम पे जो चुनाव लड़ा जा रहा था, हम जितनी भी सीटों पे गए आरा के अलावा कोई ऐसी सीट नहीं मिली जहाँ पे लोग अपने सांसद से खुश थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम मोदी के नाम पे वोट देंगे। सिर्फ आरा में आर के सिंह का काम ऐसा था कि वहाँ पर लोग कह रहे थे कि इन्होंने मोदी से भी अच्छा काम किया है और हम इनको मोदी के नाम पर नहीं इनके नाम पर वोट देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति हो रही थी। जैसे मीरा कुमार हैवी वेट हैं, छेदी पासवान वहां पे थे, छेदी पासवान से खूब नाराजगी है लोगों में। हाँ। मैं गांव में गया था, छेदी पासवान गांव तक पहुंचे नहीं थे, लोग ये कह रहे थे कि अगर गांव तक आते तो सड़क इतनी खराब थी कि लोग पूछते उनसे कि सड़क क्यों खराब है, लेकिन वहां से मीरा कुमार पीछे चल रही हैं जी। आगे पीछे का ये सिलसिला, इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान की 25 की 25 सीटों के रुझान आ गए हैं और सभी 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। रवि किशन, उनकी लीड गोरखपुर में लगातार बढ़ती जा रही है, बीजेपी के कैंडिडेट रवि किशन गठबंधन के राम भुवाल निषाद के मुकाबले। अमेठी, स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, उनकी लीड लगातार बढ़ती जा रही है जी, 8,000 से ज्यादा हो गई। मधेपुरा में शरद यादव 20,000 के अंतर से पीछे चल रहे हैं, और जेडीयू के जो कैंडिडेट हैं यहां पर दिनेश यादव वो आगे चल रहे हैं। हेमा मालिनी आगे हो गई है वहाँ से जी, मथुरा से।
अब जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट जो 18 में जीते, अगर उन पर बात करें तो हम लोग जब गए थे चुनाव में तो गुस्सा लोकल लीडरशिप के खिलाफ था। अब राजस्थान में 25 की 25 आ रही हैं, वहाँ पे मध्य प्रदेश 27 सीटें आती दिख रही हैं, तो उसका कारण यही कि सारा गुस्सा लोकल लीडरशिप के खिलाफ निकल चुका है। और तब भी जब हम बात करते थे तो मोदी को लेकर लोग पॉजिटिव दिखते थे, शिवराज को लेकर भी उतना निगेटिव नहीं था, मगर अपने विधायक से तो कैसे लोगों की प्राथमिकताएं बदलती है, लोकसभा चुनाव है तो वो सोच रहे सीधे प्राइम मिनिस्टर। और ये फैक्टर कितना प्रभावी है आप देखिए कि साध्वी प्रज्ञा जिनको लेकर भाजपा का नेतृत्व भी असहज हो गया, वो 12,000 वोटों से आगे चल रही है दिग्विजय सिंह के मुकाबले। दिग्विजय सिंह जैसे मतलब तपे तपाए नेता थे जिन्होंने पूरी उम्र अपनी सियासत की, उस लिहाज से देखा जाए, चुनाव मैनेजमेंट के लिहाज से देखा जाए तो प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा जो है उनके खिलाफ बहुत नई थी। अगर वहां से अगर 12,000 की लीड ले रही हैं तो सच में ये देखने की जरूरत है कि वहां पे किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं दिग्विजय सिंह। और जब चुनाव की उनकी घोषणा हुई थी, जब टिकट दिया था तो उनके बेटे ने कहा था कि अच्छा हमको अगर इस तरीके का चैलेंज मिल रहा है तो हम ये चैलेंज भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उस समय ये सोचा नहीं था कि दिग्विजय सिंह जो है मतलब इस तरीके से इस फाइट में फंस जाएंगे। दूसरी चीज ये अगर राजस्थान में 25 की 25 सीटें आ रही हैं तो ये अशोक गहलोत के लिए खतरे की घंटी है, ये अशोक गहलोत के लिए सोचने का समय है, क्योंकि चुनाव जैसे ही खत्म हुए थे तो अशोक गहलोत की तरफ से ये कह दिया गया था, केंद्र को एक चिट्ठी लिखी गई थी उसमें ये कहा गया था कि 7 सीटों पर हमने टिकट जो है वो गलत तरीके से बांटे हैं, 7 सीटों पर ये मतलब ये हार की शुरुआती तौर पर उन्होंने स्वीकार किया था कि 7 ऐसी सीटें, लेकिन किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि 25 की 25 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। आप लगातार 25-0 कह रहे थे, लेकिन उस समय भी मेरे को ये नहीं लगा था कि 25-0 जैसी स्थिति तो नहीं होगी, मतलब कांग्रेस मैं ये कह रहा था कि 20+ तो है ही, 25-0 भी हो सकता है। एक मुख्यमंत्री है कांग्रेस के जो फिलहाल थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं और वो मुख्यमंत्री है कमलनाथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में तस्वीर बदल गई है। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस 11 सीटों पर आगे चल रही है और भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर आगे चल रही है। वहां पर भी जो क्लीन स्वीप वाला नजारा था वो चेंज होता नजर आ रहा है, तो कमलनाथ जब तक वहां पर कांग्रेस ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है तब तक राहत की सांस ले सकते हैं। कर्नाटक की तस्वीर बदल रही है जी, 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है वहां पे। हाँ, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जो दो ऐसी जगहें थी जहां पर लगातार ये बोला जा रहा था कि अगर केंद्र में बीजेपी सरकार आती है तो सूबे की सरकारों को खतरा पैदा हो सकता है, अगर वहां पर कर्नाटका में लोटस ऑपरेशन लोटस फिर से शुरू हो जाएगा। और कमलनाथ के बारे में यह कमलनाथ ने खुद बयान दिया था कि मेरे 10 विधायकों को पैसा ऑफर किया गया और बीजेपी की तरफ से राज्यपाल को ये लेटर भी सौंपा गया था कि कमलनाथ जो है वो उनके पास मेजोरिटी खत्म हो गई, उनके पास में जो अपना बहुमत है वो साबित नहीं कर पाएंगे फ्लोर पे, इसलिए बहुमत उनको साबित करने के लिए फ्लोर पे बुलाया जाए। तो इस तरीके की गुणागणित जो है वो चुनाव खत्म होने के साथ ही शुरू हो गए थे। अब ये देखना होगा कि वहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा है, अगर कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर होता है, अगर वो दहाई के आंकड़े को पार कर लेते हैं तो कमलनाथ की सरकार बची रहेगी, अन्यथा कमलनाथ की सरकार के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है अभी शुरुआती दौर में। तो ये तो हुआ मध्य प्रदेश का रुझान। और राजस्थान के बारे में जब मैं लगातार आपको बतला रहा था तो 25-0 थोड़ा सा मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है, और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग होगा अशोक गहलोत के लिए जिनके सत्ता दांव पे लगी हुई है। अगर उनको इसी वजह से ये तर्क, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कॉम्पिटिशन चल रहा था, उस वजह से सबसे बड़ा तर्क यही दिया गया कि अशोक गहलोत जो है वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन बेहतर करेंगे क्योंकि अनुभवी नेता है और सचिन पायलट जो है युवा नेता है, वो सरकार लोकसभा के समय संभाल नहीं पाएंगे। 100 दिन का जो कार्यकाल उन्हें अशोक गहलोत को, उसमें कुछ ऐसी योजनाएं लागू करके इस तरीके से पूरा नैरेटिव जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो राजस्थान में चेंज करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मोदी फैक्टर जो है वो राजस्थान में अभी भी खूब चल रहा है और इसकी वजह से अशोक गहलोत जो है वो थोड़ा सा बैकफुट में, उनको सफाई देने में मेरे को लगता है कि उनके दांत खट्टे हो जाएंगे जब वो कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ के सामने जब ये सफाई पेश करेंगे कि क्यों राजस्थान में ऐसी स्थिति हुई। तो ये अभी तक का रुझान कांग्रेस इस वक्त की। एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट, और आसनसोल की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो टीएमसी की उम्मीदवार मुनमुन सेन से आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सब दांव विनय फेल होते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आसनसोल पहली वो सीट थी, चलिए आप अगर गोरखालैंड की जो सीट है दार्जिलिंग अगर उसको छोड़ दें क्योंकि वहाँ की सीटें वहाँ का मतलब चुनावी गणना गुणागणित अलग तरीके से काम करता है। जसवंत सिंह उड़ सीट से जीत चुके हैं चुनाव जबकि उनका कुछ बहुत वहाँ से लेना देना नहीं था, तो वहाँ पे अलग तरीके से चुनावी गणित काम करता। आसनसोल पहली बांग्ला हार्टलैंड की पहली ऐसी सीट थी जहाँ पे चुनाव जीते हैं, मतलब बीजेपी ने पहला चुनाव जो वहाँ पे जीता है आसनसोल उनकी शुरुआती जमीन है और वो पश्चिम बर्धमान जिला पड़ता है आसनसोल दुर्गापुर का
का जो इलाका है, और उसने हमेशा बंगाल में नया नैरेटिव बिल्ड किया है। 70s के आसपास कम्युनिस्टों ने सबसे पहले जिन जिलों में अपना पैर पसारना शुरू किया था उसमें पश्चिम बर्धमान जिला एक था, आसनसोल का इलाका एक था क्योंकि इंडस्ट्रियल इलाका है। उसके बाद में बाबुल सुप्रियो जो है 2014 में जीते। बाबुल सुप्रियो अभी ममता बनर्जी के खिलाफ पेस बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में। ये सबसे मजेदार बात है, उनका एक गाना था मतलब बंगला में ए तृणमूल और ना है, तो ये गाना जो है इसके ऊपर टीएमसी जो है वो चली गई थी कोर्ट के अंदर, और ये गाने के ऊपर उन्होंने बैन लगाने की मांग की थी क्योंकि उनको लगा था कि ये जो है अवमानना एक तरीके से किसी पार्टी को लगी, क्योंकि उस गाने में बाबुल सुप्रियो ने उसको घूसखोर बताया था। लेकिन बीजेपी के सारी सभाओं में ये गाना जो है बहुत धड़ल्ले से चला, खूब वायरल हुआ, और बाबुल सुप्रियो जो है एक तरीके से तृणमूल के खिलाफ ममता बनर्जी के खिलाफ एक फेस बन के वहाँ पे उभर रहे हैं, एक नेता बन के उभर रहे हैं। तो ये दिलचस्प होगा आने वाले चुनाव में भी कि 2021 के चुनाव में क्या बाबुल सुप्रियो जो है वो बीजेपी का फेस हो सकते हैं वहाँ पे, ये थोड़ा सा देखने की बात होगी। और दूसरी चीज ये कि जब आसनसोल का चुनाव हम लोग कवर कर रहे थे, हमने ये देखा कि टीएमसी के जो लोकल वर्कर हैं वो तो चुनाव कवर कर रहे थे, मतलब चुनाव में अपना प्रचार कर रहे थे, अपने तरीके से पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन मुनमुन सेन का प्रेजेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं था। वो वहां पे एक सिटी प्लाजा एक होटल है वहां पे रुकी हुई थी, कहा जाता ये था बार बार वो कहते थे लोग वहां पे टीएमसी के नेता ये कहते थे कि वो होटल से बाहर ही निकलना पसंद नहीं करते, शाम को थोड़ा सा दो चार घंटे देरी हो गई इसलिए हिंसा पर प्रतिक्रिया नहीं, तो इस तरीके से। और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा था कि बाबुल सुप्रियो के खिलाफ उनको इसलिए लगाया गया क्योंकि जो पिछली बार जहां से जीती थी बांकुरा से वहां पे उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी, इस वजह से उनको शीट उनकी जो है वो बदल दी गई, तो ये भी एक फैक्टर जो है वहां पे काम कर रहा था आसनसोल में। बाबुल सुप्रियो वहां पे इतनी हिंसा होने के बावजूद भी ये लग रहा था कि अंडरकरंट बीजेपी का बहुत जबरदस्त है, और वहां पे आसनसोल के साथ में एक और बड़ी बात यह है कि वहां पे उत्तर भारतीय खूब है, इस वजह से बीजेपी को लेके एक जो समझा जाता है कि उत्तर भारतीयों में उसकी पकड़ बहुत मजबूत होगी, इस वजह से वहां पे ये भी लग रहा था कि अंडरकरंट बहुत है बीजेपी को लेकर, बाबुल सुप्रियो जो है वहां से चुनाव निकाल लेंगे इतनी हिंसा के बावजूद, और वैसा ही हमको रुझानों में दिखाई दे रहा है। सौरभ जी, केरल से शुरुआती रुझान। केरल में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है, जबकि राज्य में लेफ्ट की सरकार है, इकलौता टापू जो अब तक बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को बड़ी बढ़त नजर आ रही है। शीला दीक्षित के बारे में अपडेट है, शीला दीक्षित पीछे चल रही हैं, और अपडेट है आजमगढ़ के बारे में, अखिलेश यादव फिर से आगे हो गए हैं, मुलायम सिंह यादव उनके पिता वो भी आगे चल रहे हैं, ये दो अपडेट हैं हमारे पास। लालू यादव की बेटी, लालू यादव की बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र की जो सीट है, पाटलिपुत्र की सीट पर रामकृपाल यादव के सामने थी और मीसा भारती पीछे चल रही हैं, तो वो जो थ्योरी दी जा रही थी वो फिलहाल रुझानों में मजबूत नजर नहीं आ रही है। थ्योरी की आरजेडी ने आरा की सीट सीपीआईएमएल माले के लिए इसलिए छोड़ी ताकि माले का जो 50-60 हजार का कार्डर वोट है पाटलिपुत्र का, वो मीसा भारती की किट्टी में आ जाए, और उसके बाद मीसा भारती का पुराने आरजेडी नेता और अब 5-6 साल से भाजपा के नेता रामकृपाल यादव के खिलाफ चाचा पलड़ा भारी रहे। चाचा और भतीजी की इस लड़ाई में रविशंकर प्रसाद स्पष्ट ही था, चुनाव मार्जिन की वहां पर लड़ाई है, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब की सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले आगे चल रही हैं। पश्चिम बंगाल में जोरदार मुकाबला है, जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें 19 सीटों पर टीएमसी आगे हो गया है, 18 पर भाजपा। भाजपा एक सीट कम भी रहे लेकिन अगर भाजपा दहाई में जा रही है तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, 20 के ऊपर जा रही है तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, और जो इनको यूपी में डेंट होता नजर आ रहा है उसकी भरपाई बंगाल करता दिख रहा है। और एक और जो स्टेट है जिसके ऊपर हमारी नजर लगातार बनी हुई उड़ीसा है, अभी तक मेरे को मतलब उसका रुझान, क्योंकि मैं यहां से टीवी नहीं देख पा रहा हूं, बार बार टीवी नहीं देख पा रहा हूं, मैं सारी चीज टीवी देख के थोड़ी बता रहा हूं, नहीं मतलब मेरे पास ये भी मतलब मेरे पास कहीं से रुझान नहीं आया, लेकिन बहुत क्यूरियोसिटी है। अब आप टीवी देखिए जाके, एक आप लोगों से इजाजत चाहूंगा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इन लोगों के लिए मैं अभी लगातार आपके साथ हूँ, और एक नए मेहमान हमारे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, हमारे साथी बिहार के अभिषेक कुमार, हमारे राजनीतिक टिप्पणीकार जिनकी राजनीतिक याददाश्त अद्भुत है, हर सीट उस सीट का क्या नतीजा पहले रहा क्या अब है, अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, आप लोगों को फिर बुलाऊंगा, और अभिषेक कुमार हमारे साथ जुड़ेंगे, और तब तक मैं आपको इस वक्त के बड़े अपडेट बता देता हूं। अपडेट ये है कि झांसी, जहाँ से पिछली दफ़ा उमा भारती चुनाव लड़ी थी, वो सीट इस बार भाजपा ने अनुराग शर्मा को दी थी, और अनुराग शर्मा लगभग 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं।
हमीरपुर की सीट, बुंदेलखंड की एक और सीट, यूपी वाला बुंदेलखंड, यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी दिलीप सिंह आगे चल रहे हैं। उरई जालौन जो मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, मार्जिन कम है। इसके अलावा अगर देश की बात करें तो पाटलिपुत्रा से, जैसा मैंने पहले बताया, मीसा भारती पीछे चल रही है। रायबरेली से सोनिया गांधी एक बार फिर से आगे हो गई हैं।